सिंहासन 32 के पहले और दूसरे भाग में पुतली चित्रलेखा और पुतली रत्नमंजरी की कहानी से हमने जाना कि राजा विक्रमादित्य कितने महान दानवीर और पराक्रमी राजा थे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। तीसरे दिन जब राजा बोध सिंहासन पर बैठने को हुए तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उन्हें रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य के जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, लो सुनो, एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गई। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गई और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा, सारे विषयों में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी थी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहाँ लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई नहीं कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उसने आसानी से उठा दिया। लंगर उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गई। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। जपमाला की दो विशेषताएं थी, उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था।
तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संगाए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी न कभी उनकी सुध जरूर लेंगे तथा उनकी दुविधा को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आई। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई, उन्होंने वह छड़ी और माला ब्राह्मण और भाट ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गई। कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य है? राजा फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके। चौथे दिन चौथी पुतली कामकंदला ने सुनाई विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा। तो राजा विक्रमादित्य की कौन सी दानवीरता की कथा पुतली कामकंदला राजा भोज को सुनाएंगी, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 4 का।